Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 7 experiments with water of your 5th EVS book. Aisha was waiting for dinner. Aisha jo hai dinner ke liye wait kar rahi thi. Today ammi was making her favorite food, puri and spicy potato. आज उसकी मम्मी ने उसके लिए उसका फेवरेट फूड बनाया था जो क्या था पूरी और स्पाइसी पटेटोज. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. आयशा अपनी मदर को देख रही थी कि वो किस तरीके से पूरी को गोल बेल रही हैं और उसको गर्म तेल में डाल रही हैं. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. सबसे पहले वो देखती है कि सबसे पहले जो पूरी होती है वो पैन के बॉटम में डूब जाती है. एज इट पफ्ड अप, जैसे ही वो फूलती है, द पूरी केम अप एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. वो पूरी जो है ऑयल में फिर फ्लोट करने लगती है. वन पूरी डिड नॉट पफ अप, एक पूरी जो थी वो पूरी तरीके से नहीं फूली थी. एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स, और उसने दूसरों पूरियों की तरह फ्लोट नहीं किया था. ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए आयशा टुक सम डो, उसने कुछ डो लिया एंड रोल इट इन टू अ बॉल, और उसकी बॉल बनाई. शी फ्लैटन्ड इट एंड पुट इट इन अ बोल ऑफ वाटर, और उसने को बेला और उसको बोल में पानी लेकर उसमें उसको डाल दिया. अलाश इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, वो जो उसने पूरी बनाई बॉटम में ही डूब गई. इन द इवनिंग, शाम के समय आयशा वेंट फॉर अ बाथ, आयशा नहाने के लिए गई. शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वॉटर अगेन. जैसे ही वो नहाकर बाहर आई तो उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाई कि आयशा तुमने फिर से जो सोप है वो पानी में गिरा दिया. टेक इट आउट, उसे बाहर निकालो. एंड पुट इट इन अ सोप केस, और उसको सोप के केस में रख दो. आयशा वॉज इन अ हरी, आयशा बहुत जल्दी में थी. एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, और जो वो सोप केस था वो उसके हाथ में से छूटकर गिर गया. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो पानी में तैरने लगा. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, उसने धीरे से सोप को सोप केस में रख दिया. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट, उसने देखा कि जो सोप केस है वो कंटिन्यू फ्लोट कर रहा है इवन विद द सोप इन इट, और जबकि उसके ऊपर उसने सोप रख दिया उसके बाद भी. सो स्टूडेंट्स, हमें इस इतने पार्ट से क्या पता चलता है कि कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें सिंक करती हैं. बट ऐसा होता क्यों है और कौन सी चीज़ें फ्लोट और सिंक करती हैं? एक्चुअली कोई भी जो भी हम चीज़ पानी के अंदर डालते हैं तो ये उस चीज़ के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है कि वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी. अगर उस चीज़ का वॉल्यूम, जो भी हम पानी में डाल रहे हैं या लिक्विड में डाल रहे हैं, उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से कम है तो वो फ्लोट करती है, और अगर उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा है तो वो सिंक करती है. अब जैसे कि इतने भारी भारी आयरन के बने हुए शिप जो होते हैं वो तो फ्लोट करते हैं, बट आप एक छोटी सी निडल को जब पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है. अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी छोटी सी चीज़ तो डूब जाती है, बट इतना बड़ा शिप क्यों उस पर फ्लोट करता है? जब हम कोई भी चीज़ लिक्विड में डालते हैं तो वो डालते ही अपने आसपास का पानी थोड़ा सा स्प्लैश करती है. तो इसमें ही इसका रीज़न छुपा हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ है जो आप लिक्विड में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, जितना भी उस चीज़ का वेट है, अगर वो अपने वेट से ज़्यादा पानी हटा पाती है तो फिर वो फ्लोट करती है, और अगर वो उससे कम पानी हटा पाती है जितना उसका वेट है तो फिर वो डूब जाती है. यही रीज़न है कि जो शिप होता है वो जितना उसका टोटल वेट होता है, जब वो पानी में जाता है तो फिर वो अपने पूरे वेट से ज़्यादा पानी स्प्लैश करता है तो वो फ्लोट करता है. बट नीडल जितना उसका वेट होता है वो उतना पानी नहीं हटा पाती अपने आसपास तो फिर वो डूब जाती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर का इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस घर में भी अच्छे से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.